जय हिंद। यह पैनासोनिक का LX22XGA प्रोजेक्टर का पार्ट टू है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको उससे पहले मैंने पार्ट वन में आपको पूरा कंप्लीट खोल के दिखाया था कैसे इसको ओपन करना है। अब एक एक करके मैं इसके आपका जो सेक्शन है उसको अलग अलग करके क्लियर करके दिखाऊंगा अंदर में क्या क्या लगा हुआ है और ये एक किस तरीके से काम करते हैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसको आप खोलना कैसे है वो भी आप देख लीजिएगा। ये इसका पावर सप्लाई है, इस बगल में स्विच दिया हुआ है। जो इसका मेन जो पावर सप्लाई है इसके अंदर भी एक फैन लगा हुआ है और प्लस इसको कैसे खोलना है इसको अभी आपको पूरा खेल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये खोलना है और आप कभी प्रॉब्लम आए तो आप इसको खोल के कैसे रिपेयर करें। इसके अलावा भी इसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ है आपको कंप्लीट मालूम चलेगा। मैं एक एक पार्ट्स खोल के दिखाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो को देखते रहें। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले इसके वीडियो के पार्ट वन देख लें, फिर पार्ट टू आपको समझने में काफ़ी इजी होगी। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो इसकी अंतिम वीडियो होगी पार्ट थ्री, जिसमें कंप्लीट वापस द्वारा प्रोजेक्ट को रीअसेंबल करके दिखाया जाएगा। तो फिलहाल आप जब इसको खोलते हैं तो जो भी जहां स्क्रू लगा हुआ है जैसे जैसे लगा हुआ है वैसे ही खोलें और उसी तरीके से लगाएं। कोई भी इसका प्लेट पत्ती या एक्स्ट्रा से स्क्रू इसको बिना लगाए ना छोड़ें। ये इसका पावर सप्लाई ढक्कन है, एक्चुअली ये कनेक्टर का कवर है मेन एसी कोड का। तो ये ऐसे जस्ट खोल दिया मैंने, तो आप देखते रहे आराम से किस तरफ से लगाओ थे। एक मैंने चेन लगा दिया यहाँ में ताकि बार बार उल्टा सीधा लगा के मुझे ये टाइम वेस्ट बर्बाद ना करना पड़े, क्योंकि ये देखने में दोनों तरफ से लगभग एक जैसे ही था। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बहुत कम एडिट की हुई है, लगभग रिकॉर्ड करके ही डाल दी गई है। तो आप देखते रहिए, आपको काफ़ी समझ में आएगी। इसके पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने रिपेयरिंग तो कर लिया था किंतु मैं इसको ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। दरअसल बोर्ड और इसका मेन बोर्ड में और पावर सप्लाई के कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी जो रिपेयर कर लिया था, लेकिन खोलने का और इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है जो आपको इसमें अपलोड कर दिया गया है। वीडियो यदि आपको ज़्यादा लंबी लग रही है या आपको पहले से पता है कौन सा सेक्शन चेक करना है तो आप इसको स्किप करके देख लें आराम से। फैन के चारों इसको खोल लिया, खोल के धीरे से फैन को पुश कीजिए, ये आराम से निकल जाए। इसमें साइड से जो वायर लगा हुआ है जैसे वायर लगा हुआ है वैसे ही आप जब फिटिंग करें तो उसको लगाना पड़ेगा, इसलिए खोलने से पहले अच्छे से ध्यान दे लें। फैन का डायरेक्शन जिस तरफ था मैंने उस तरफ एक चिन लगा दिया है ताकि बाद में इतनी दिक्कत ना हो। जल्दीबाजी ना करें और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, आराम से खोलें क्योंकि ये आराम से खुल जाता है। देखने में इस तरीके के पावर सप्लाई काफ़ी पजल लगते हैं किंतु हम जब काम करते रहेंगे तो ये काफ़ी इजी लगेगा। नॉर्मली जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से काम करते हैं तो वो भी इस तरीके के काम को कर नहीं सकेंगे, खाली ध्यान से करना होगा काम को। ये दरअसल पूरा केबल नहीं खुला है, अंदर से कनेक्टर भी दे रखा हुआ है। इसके अंदर में इन्वर्टर बोर्ड भी दिया हुआ है इसका, जो प्रोजेक्टर की जो लैंप रहती है उसके लिए वो यूज़ किया गया है, जिसमें हाई वोल्टेज बूस्टिंग करके उस लैंप को ऑन किया गया है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, आराम से देखते रहें। तो ये दरअसल यहाँ में ये उसके एक क्लिप में फंस रहा था इसलिए थोड़ा निकालने में टाइम लगा था। दरअसल ये 2x रिकॉर्डिंग में वीडियो की होगी, हालांकि ये मैंने स्पीड करके चलाया हुआ है, टाइम ज़्यादा लगा तो इसमें खोलना फिटिंग करना ये सब करने काम करने के टाइम में जल्दबाजी या जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये टूट जाएगा। टूट गया तो गया, फिर इसको दोबारा रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये देखिए आराम से लॉक, इसमें लॉक में क्लिप में लॉक लगा था, मैंने लॉक को पुश कर निकला, आराम से निकल गया। ऊपर से पूरा गंदा भी हो रखा है तो इसको मुझे अच्छी तरह से वॉश भी करना होगा। इन्वर्टर बोर्ड और पावर सप्लाई बोर्ड के बीच में एक और अर्थिंग के लिए ये देख कर रखा हुआ है, मेटल की प्लेट दी हुई है, स्टील की प्लेट,
जो कि नॉइस को कम करती है। तो इसको भी खोल के खोलता हूँ, पूरा ही खोल के दिखाऊंगा आपको जितना पॉसिबल है। जहाँ मैं जो जिस स्पेस सेक्शन को खोलने में थोड़ा रिस्की होगा तो उस सेक्शन को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन लगभग सारा सेक्शन ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही है। तो इसकी एल्युमिनियम की जो ये एल्युमिनियम शायद स्टील है क्या, जिसकी प्लेट लगी हुई थी और इसके लिए इसको बैठा दिया है, और नीचे में प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है। ये सब एक दरअसल कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी करती है, तो इसलिए इतना तामझाम दिया रहता है। यही जी लोकल कोई होगी तो उसमें इतने सामान यूज़ ही नहीं करते हैं, ब्रांडेड कंपनी या थोड़ी अच्छी क्वालिटी के सामान की पहचान ही अलग होती है। खाली खोलने में और फिटिंग करने में थोड़ा तकलीफ ज़रूर होता है, लेकिन वो तो उपाय नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। केबल उबल जैसे लगा आराम से निकालें, ज़्यादा जल्दी आराम से करें, खिंचाता नहीं करेंगे तो केबल कट गया तब भी ख़राब। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी सामान ख़राब ना हो, बेवजह ख़राब ना हो, जो ख़राब है उसी को रिपेयर करें। ये भी कनेक्टर लगा था, आराम से खुल गया, देखिए देखिए ये पावर सप्लाई मैंने पूरा खोल दिया कंप्लीट, सारा सामान इसमें यही है, पूरा डस्ट लगा हुआ है। इसको ब्रश से थोड़ा सफ़ा करके एयर ब्लोअर से थोड़ा हवा अच्छे से मार देने से सफ़ा हो जाएगा। ये इसका स्विच है जो लैंप के कवर को ऑन ऑफ में डिटेक्ट करता है। इसके अलावा प्लास्टिक के कुछ स्टैंड दे कर रखे हैं जिसमें इन्वर्टर बोर्ड फिट होता है। चलिए फैन को भी चेक कर लेता हूँ, सेम पुराना वाला प्रोसेस जो मीटर से लगा के चेक करना है। तो मीटर से कंटिन्यूटी में मोड में जब इसको चेक करें, देखिए फैन हल्का सा घूमने लग जाएगा, इसका मतलब फैन परफेक्ट ओके है। ये इसके मेन पावर सप्लाई, इसमें ये ऐसी इनपुट हुआ है, इसमें दो पार्ट है, एक 300 वोल्ट को दोबारा रेगुलेट किया गया है ताकि वोल्टेज पूरी कॉन्स्टेंट रहे, ये लो या हाई वोल्टेज का फर्क नहीं, इसमें होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एसी लाइन को ये एक्चुअली फिल्टर ट्रांसफार्मर हो गया, इसके थ्रू ट्रांसफर करके फिर रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है, दोनों में एसी पॉइंट आई है, फिर यहाँ से जो डीसी आउट की है इसको ये थर्मिस्टर के थ्रू फिर कॉइल से दिया गया है। ये देखिए ये कॉइल है, इस कॉइल से इस ट्रांजिस्टर में, सॉरी ये मॉस्फेट में, और ये डायोड के नेगेटिव में, दोनों में पॉइंट दिया गया है ये, और डायोड का पॉजिटिव को आउट कर दिया गया है डीसी के इस फिल्टर कंडीशन में। ये एक तरह से बूस्ट कर दिया गया है सप्लाई को, पहले इसको एसी को इधर से लाया गया है, फिर यहाँ से फिल्टर करके फिर इससे, और ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा, ये सेक्शन जो ये डीसी लाइन है एक लाइन को, इसको ये कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, और 300 वोल्ट को फिर यहाँ से बूस्ट करके आउट दे दे रहे हैं, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर जो लेग है, सॉरी ये जैसे आपका मॉस्फेट है, तो ये एक तरह से बूस्टिंग का काम कर रहा है, जो इस डायोड के नेगेटिव जाके फिर यहाँ से पॉजिटिव से थोड़ी सी वोल्टेज को बूस्ट कर रखता है, कि जब बाई चांस यदि यहाँ वोल्टेज 100 वोल्ट भी होती है या 90 वोल्ट भी होती है, तो ये इसको बूस्ट करके यहाँ में 300 वोल्ट आउट कर देगा, और ये यदि वोल्टेज 250 भी होगी तब भी ये इधर से ही उतना ही वोल्टेज आउट करेगा, क्योंकि इस सेक्शन में कितना वोल्टेज आना है इसके लिए भी इधर से इसमें पल्स दिया गया है। देखिए ये जो आई है ये रेजिस्टेंस, इसके ये दो रेजिस्टेंस यूज़ की गई है, फिर यहाँ से इस आईसी को सेंस किया गया है, ये आईसी ऑसिलेट करती है, ये उसी टाइप से ऑसिलेट करेगी जितना इसमें वोल्टेज चाहिए, यदि यहाँ में 80 वोल्ट या 70 वोल्ट भी होता है तब भी ये इसको हाई बूस्टिंग करा के इस डायोड के पॉजिटिव पर, सॉरी कंडेंसर पे, आपका ये 300 वोल्ट आउटपुट देगी, ताकि वोल्टेज पूरी की पूरी कांस्टेंट रहे, और
पिक्चर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये पार्ट पूरा पूरा अलग है, उसके बाद ये SMPS पार्ट्स अलग से स्टार्ट होते हैं। फिर ये इसका ये जैसे आपके K2837 ये MOSFET यूज़ किया गया है, फिर ये डायोड यूज़ किया गया है जो आप देख पा रहे हैं, और फिर ये STR यूज़ किया गया है कि इस STR को 300 वोल्ट ही एग्जैक्ट मिलते रहें, जितने इसमें चाहिए वो फ्लक्चुएशन बिल्कुल ही ना हो, इससे ये सेक्शन जल्दी ख़राब नहीं होगा और वोल्टेज पूरी एक्यूरेट रहेगी। और उसके बाद इस पार्ट को ये पार्ट जो है इस सेक्शन का आपका एरिया को कंप्लीट इधर से कंट्रोल कराया गया है, और ज़्यादा इसमें इतना उलझावा भी नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। ये आपका SMPS ट्रांसफॉर्मर मेन ट्रांसफॉर्मर हो गया ये, और इसमें जो इतने सारे वायर्स हैं ये सारे सारे ऑप्टोकपलर कंट्रोल कराया गया ताकि इस STR को कंट्रोल कर सके, मतलब जो वोल्टेज एक्यूरेट रहने के लिए, और साथ साथ में इस सेक्शन को भी इधर से कंट्रोल कराया गया है ताकि जो भी वोल्टेज आ रही है पूरी की पूरी एक्यूरेट रहे, फ्लक्चुएशन या लो वोल्टेज या थोड़ी बहुत ही वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है तो ये कंट्रोल कर रखता है, या थोड़ी बहुत हाई वोल्टेज होगी तभी ये एक्यूरेट रखेगा जिससे ये फिल्टर सेक्शन इधर कुछ भी ख़राब नहीं हो। और उसके बाद इसमें आउटपुट जो दी गई है ये देख लीजिए, टोटल लेग है 1 2 3 4 5 6, 6 में से ये एक लेग NC है, ये दोनों एक साथ कॉमन है, ठीक है। तो एक ये सप्लाई, एक ये, एक ये, तीन सप्लाई से आउट की गई है, जिसमें से एक सप्लाई तो ये हो गई, दूसरी सप्लाई ये रही, और तीसरी जो है ये आपका नेगेटिव सप्लाई पल्स दी गई है जो कि ये इधर से सर्किट सिस्टम में चली गई है। पावर सप्लाई अच्छी क्वालिटी की बनाई गई काफ़ी, जो देखने में लगती है, और साथ साथ में ये जो सप्लाई है ये इस बूस्टिंग ट्रांसफार्मर को, सॉरी ये क्या नाम है आपका, जो हीटर फिलामेंट है उसको दिया गया है, जो इसका जो ये लैंप है कि लैंप में हाई वोल्टेज जरूरत पड़ती है, तो ये 300 वोल्ट यहाँ से इसमें से तीन वायर गई है, ये देख लीजिए 1 2 3, तो तीन में से दो तो ये कॉमन हो गई और तीसरी इसी सर्किट से चली गई है ताकि वो वोल्टेज को एक्यूरेट रख सके, और ये कनेक्टर आपका के इसमें लग गई है, ठीक है। फिर ये जो सेक्शन है इसमें ये इसका आउटपुट है जो कि इस लिंप में गया है, और ये इसके कंट्रोल सर्किट है, ये कंट्रोल मेन सिस्टम जो मदरबोर्ड उसमें गई है, और बाकी के जो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर दिया है जो हाई वोल्टेज बूस्टिंग करके ये आपका लैंप में देता रहता है, ये एक तरह से टीवी का जो हम CRT टीवी में जो सिस्टम दिया गया लगभग उसी तरीके से बनाया गया है कि उसमें हाई वोल्टेज बूस्टिंग करके दी गई है जिससे लैंप जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये ड्राइवर बोर्ड हो गया लैंप का, और ये SMPS हो गया कम्प्लीट, इसका पावर सप्लाई का जो, सॉरी ये मदरबोर्ड का जो कम्प्लीट कंट्रोल करती है। इसको अब हम फिटिंग करते हैं। मैंने इसको क्लीन कर दिया पूरी तरह से, प्लस और इसमें जो भी डस्ट थी सफ़ा कर दी, अब एक एक करके अच्छा लगा, जैसे पहले फिटिंग था वैसे ही इसको लगाते रहे। जो भी सेपरेटर या जो भी सामान दिया गया है सबको अपनी जगह पे वापस लगा दें, खोलने टाइम में ज़बरदस्ती ना करें, तो जैसे से पतले पतले प्लास्टिक के का सेपरेटर वगैरह हैं जब टूट जाएंगे तो बाद में लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें ये चार स्क्रू लगे हुए हैं, चार स्क्रू लगा दिया है। इस तरीके के स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा काम करने में इजी रहता है, यदि आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा चाहिए ही, आप नॉर्मल कोई भी स्क्रू ड्राइवर जिसे मेरे साइड में रखा हुआ आप देख ही बार देख रहे हैं वैसा भी लेके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ज़्यादा यूज़ नहीं आता तो बेवजह खरीद के पैसा बर्बाद ना करें। ये जो केबल है ये लैंप की सप्लाई लाइन है, इसमें हाई वोल्टेज आती है इसलिए थोड़ा केबल मोटा दिया गया है।
वीडियो को आप स्किप भी चाहे तो कर दीजिए, कोई ये नहीं है, या फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लें, लेकिन यदि समय है तो आप बिना स्किप किए ही देखने की कोशिश करें। एक बार तो बिना स्किप किए देख लें, बाद में यदि आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको अच्छा लग रहा है तो आप दोबारा इसको देख लें। ये आपका जैसे कभी आप प्रोजेक्टर रिपेयरिंग करेंगे तो आपका जब खोल के दिखाया जैसे दिखाया गया है तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी खोलते हैं या फिटिंग करते हैं करेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी फॉल्ट फाइंड करना ये अलग डिपार्टमेंट है कि इसके लिए अलग से जानकारी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होनी पड़ेगी। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है तो आप प्रोजेक्टर वगैरह को भी खोल के रिपेयरिंग करके आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना सीखेंगे उतना कम। बहुत से टेक्नीशियन इस तरह की पावर सप्लाई या इस तरह के बोर्ड को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ऐसा कितना क्या सामान यूज़ किया गया, जबकि जब गौर से उसको देखेंगे या स्टडी करेंगे तो देखें पाएंगे कि नॉर्मल जो हम लोग का SMPS बोर्ड होता है, जो भी नॉर्मल होता है, लगभग उसी तरीक़े से बनाया गया है, ज़्यादा कोई इतना पजल नहीं है, क्योंकि बेसिक एक ही है, सिर्फ उसका तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। कुछ प्रोटेक्शन के लिए सामान दे दिए गए हैं, कुछ सेफ्टी फीचर दे दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोलर दे दिया गया है, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि ये ज़्यादा उलझ गया। बहुत जन को लगता है और बहुतों के लिए ये इजी भी होता है, जो रेगुलर काम वर्क करते रहते हैं इस तरह के काम में, तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करना। ये लगभग पूरा फिटिंग हो ही गया है, थोड़ा सा और बाकी है। ये अर्थिंग का वायर है, ये भी लगा ही दें, लगा लेने से अच्छा है। यदि किसी कारण से आपको दोबारा खोलना पड़ता है तो आप दोबारा खोल कर वापस फिटिंग कर लें, ऊपर से ही खींचतानी ना करें। मैं इसलिए ध्यान देने की बात इसलिए रिपीट बार कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे सामान रिपेयर में आते हैं जो कि खोलने में और लगाने के समय ही बहुत से टेक्नीशियन बर्बाद कर देते हैं, जिससे उसके लॉक वगैरह या साइड से फ्रेम वगैरह फट जाता है, तो बाद में लॉक टूट जाता है, तो उसके बाद में उसको फिर ओरिजिनल जैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। ये कवर दरअसल यहाँ का नहीं है, ये बॉडी का है, मैं इसे लगा के देख रहा था किस तरह से फिटिंग हो रहा है, साइज़ का कितना है, ये बॉडी के नीचे लगा हुआ ताकि इंसुलेशन का काम करते रहें, किसी कारण से कोई कुछ डस्ट या कुछ लिक्विड वहाँ गिर भी जाता है तो बॉडी से शॉर्ट नहीं होगा, तो आपको आगे मालूम चली जाएगा। फैन को जहाँ मैंने चिन देकर रखा था वो चिन मिला करके उसको वापस वहाँ डाल देना है, और वायर जैसे लगा था उसको वायर को उसी तरह से खींच देना है। यहाँ एक बार मेरे लगाने टाइम मुझे गलती हो गया था, वायर मैंने पूरा नहीं खींचा तो थोड़ा वायर अंदर के छोटा हो गया, तो मुझे बाद में इसको दोबारा खोल करके फिर पूरा फैन को बाहर निकल के वायर को खींच के फिर दोबारा लगाना पड़ा। जब जब वीडियो बाद में देखें तो आपको मालूम ही चल जाएगा
क्योंकि कुछ जगह वो मैंने कट कर दिया वो पार्ट को, ये यहाँ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। कि जब मैं इसको पूरा कंप्लीट फिटिंग कर चुका था तब मुझे मालूम चला कि ये वायर मैंने ठीक से नहीं निकाला, इसलिए वहाँ फंस गया था फ़ैन का वायर। तो सिर्फ फ़ैन का वायर को वापस दोबारा करने के लिए मुझे पावर सप्लाई को वापस असेंबली से निकालना पड़ा। यदि आप गौर से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस जगह गलती हुई है। तो ये पैनासोनिक प्रोजेक्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में पहले ला चुका हूँ और पार्ट 3 भी जल्दी लेके आऊँगा, तो उसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्टर दोबारा रेडी होकर कंप्लीट चला के दिखाऊँगा कैसे क्या रेडी हुआ है। तो चैनल पे बने रहें, धन्यवाद।